को लेकर चर्चा बहुत होती है, तो मैं कुछ आपको आज बताना चाहता हूं। देखिए, ये मेरा आधार कार्ड है, इस पर क्या लिखा हुआ है, मेरी फोटो है, मैं एक पुरुष हूं और पीछे मेरे पटना का परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। इस पर न मेरे माता पिता का नाम है, न मेरी जाति क्या है, न मेरा धर्म क्या है, न मेरा संप्रदाय क्या है, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मेरी इनकम क्या है, मेरी मेडिकल रिकॉर्ड क्या है। नन ऑफ द थिंग्स बाय विच यू कैन बी प्रोफाइल्ड इज मेंशन एट ऑल ऑन माय आधार कार्ड। बट व्हाट डज द सिस्टम कंटेन? माय फिंगरप्रिंट ऑफ 10 फिंगर्स एंड माय आयरिस। और ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में हमारे सिस्टम में बंद है, सेफ सिक्योर। आधार इज ए डिजिटल आइडेंटिटी, इट इज नॉट ए फिजिकल आइडेंटिटी, बट द डिजिटल आइडेंटिटी कन्फर्म्स द फिजिकल आइडेंटिटी बाय द हेल्प ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। हमने पैन कार्ड को जोड़ा आधार से, उसका क्या मतलब है? लोग पैन कार्ड का दुरुपयोग करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। टुडे मनी लॉन्ड्रिंग इज एन ऑफेंस। अभी हमने गडकरी जी से बात किया, हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ रहे हैं। और देवेंद्र, मैं आपसे कहूंगा, प्लीज वर्क इट आउट ऑल्सो इन योर स्टेट एंड बिकम ए लीडर इन दिस फील्ड। अब क्या होता है, शराब पी के ड्राइव करते हैं, आपने धक्का मार दिया, चार लोग मर गए। अब हरियाणा से बैंक भाग के आप आंध्र प्रदेश चले गए, आपने अपना नाम बदल के वहां डुप्लीकेट लाइसेंस ले लिया, नया लाइसेंस ले लिया। बट वंस योर मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इज लिंक टू आधार, तो भले आपने नाम बदला, सिस्टम बोलेगा इनका फिंगरप्रिंट ये है, इनकी आईरिस ये है, इनके पास ऑलरेडी लाइसेंस पहले से है, दूसरा लाइसेंस नहीं मिलेगा। डिजिटल गवर्नेंस इज गुड गवर्नेंस, इस बात को समझने की जरूरत है। हाउ टू लिंक आधार विथ ड्राइविंग लाइसेंस। सो आप लोगों को जल्दी पता चल गया होगा कि जैसे कि आधार कार्ड अब आप लोगों को अपने लाइसेंस के साथ भी लिंक करना होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से आप अपना आधार कार्ड अपने लाइसेंस के साथ लिंक कर देंगे। तो पहले तो आपको अपने आधार कार्ड लिंक करने के लिए आपको RTO ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट, जो भी आपके स्टेट की वेबसाइट होगी, उस पर जाना पड़ेगा। आपको इसका स्टेप्स हमने इस इमेज के बाद में दिया है, आप फॉलो कर सकते हैं। तो पहले तो हम स्टेप्स पढ़ लेंगे क्या क्या होंगे। तो पहले तो आपको RTO की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा। आप गूगल पे टाइप करिए RTO ऑफिस और आपके सामने उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। उसके बाद आपको आधार नंबर एंट्री के पे क्लिक करना होगा, जो कि आपको अपने RTO की वेबसाइट पे जल्दी मिल जाएगा। अभी जस्ट न्यूज़ आई है कि लिंकिंग शुरू होगा, तो अभी तक ये प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। जैसे जैसे प्रोसेस आगे आएगा, हम उस पर और आगे वीडियो बनाएंगे, या फिर हम उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके आप आर्टिकल रीड कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। तो आप वहाँ पे जाएंगे, आपको एक डायरेक्टली आपको एक साइड में एडवर्टाइज आ रही होगी वेर यू, जहाँ पे आपको डायरेक्टली आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक करना होगा। आप जस्ट उस पर क्लिक करिए, अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, आपका 12 डिजिट नंबर, उसके बाद अपने लाइसेंस का आपका डिटेल्स आ जाएगी। आप अपना लाइसेंस का डिटेल देख लीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर पे आपके कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको जस्ट सबमिट करना है और आपका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस लिंक हो जाएगा। इसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा और बहुत ही जल्द बनाऊँगा। आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मैं ऐसी वीडियो और बनाऊंगा और जैसे ही हमें पूरा स्टेप्स मालूम पड़ जाएगा, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बस गूगल पे जाना है, गूगल पे टाइप करना है आपको RTO वेबसाइट, तो आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करिए। जैसे कि मैं महाराष्ट्र का हूँ, तो मैं महाराष्ट्र की वेबसाइट देख रहा हूँ। यहाँ पर आपको पहली मिल जाएगी, मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट महाराष्ट्र, आप इस पर क्लिक करिए। ये इनकी नई वेबसाइट शुरू हुई है, आप इस पर क्लिक करिए। नई वेबसाइट बनाने का रीज़न यही है क्योंकि अभी ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, सबको आधार कार्ड लिंक करना है, तो उन्होंने नई वेबसाइट बना दी ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो यूज़र्स को, कस्टमर्स को। तो आपको यहाँ पे ही आपको जल्दी
आधार कार्ड लिंक का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा यहीं ऊपर कहीं, आप यहां से डायरेक्टली शुरू कर सकते हैं। यह है आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट, तो यहां पे भी अब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड मैं जल्द से जल्द इसके वीडियो का स्टेप्स बना दूंगा जैसे ही एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। जय हिंद।